तो गाइस मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ नीवा फॉलोअर का री एंटर का। गाइस सबके जितने भी हमारे मतलब नीवा फॉलोअर के यूजर हैं सबकी एक दिक्कत होती है गाइस री एंटर की। अब देखिए गाइस हम री एंटर को ही अपनी ताकत बना लें तो क्या होगा। गाइस री एंटर को अपनी हम ताकत बना लें तो क्या होगा। गाइस हमारे जो अकाउंट इंस्टाग्राम में फॉलोअर एकदम भरभरा के गिरने लगेंगे अगर हम री एंटर को जो हमारी आईडी खराब है उसी को हम ताकत बना लें अपनी। देखिए गाइस ताकत बनाने आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं गाइस। ठीक है उसके लिए गाइस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है गाइस तो देखिए गाइस जैसे कि ये मेरा अकाउंट री एंटर है। ठीक है डियर ऑल इज इंटर री एंटर है। आप लोग क्या करते हैं गाइस री एंटर करते हैं, री एंटर नहीं करना है गाइस। री एंटर करेंगे तो आईडी तो रिमूव होगी, साथ में आपका डेली का जो गिफ्ट कोड है वो भी लुल्लू बटन चुल्लू हो जाएगा। ठीक है गाइस तो उसको आपको री एंटर नहीं करना है, आपको जो बटन है किनारे का मोबाइल का उसको ऐसे करके स्क्रॉल करके ऊपर से हटा देना है, फिर से आपको उसको खोल लेना है नीवा फॉलोअर को। आईडी तो आपकी है ही। देखिए गाइस मेरे पास कितने सारे अकाउंट हैं। ठीक है और जो मेरा अकाउंट चल जो आपका अकाउंट चल रहा है कोई सा भी आपका अकाउंट तो चल ही रहा होगा, उससे आप कॉइन बढ़ा ही रहे होंगे, तो उससे कि आप लोग क्या करते हैं कि गिफ्ट कोड नहीं है, कोड के भरोसे आप रहते नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं बस पेल के फॉलो के कॉइन लाइक के कॉइन बढ़ाते जाते हैं जिससे आपका अकाउंट जो है वो चला जाता है भीतर। तो उसके लिए देखिए गाइस मैं आपको ट्रिक बताने जाता हूँ। आप देखिए गाइस कुछ नहीं 10 या 15 फेक आईडी तो बना ही सकते हैं। रीएंटर हो जा रहा है तो मैंने बताया ही कि रीएंटर मत करिए, 10 या 15 आईडी उसमें नीवा फॉलोअर में लॉगिन ही रहना चाहिए। मेरे आप देख सकते हैं 50 या 55 मेरे फेक आईडी है, कॉइन देख ही सकते हैं मेरे पास 5000 कॉइन है, 55 फेक आईडी है गाइस जिसमें से मेरी कम से कम 25 या 30 आईडी इसमें मेरी ख़राब है। और उससे मैं क्या करता हूँ ख़राब है इंस्टाग्राम से जो बैन हो चुकी है तो क्या करता हूँ मैं उसमें मैं अपना डेली का जो गिफ्ट कोड डाल आता है वो लेके 100 कॉइन ले लेता हूँ गाइस। 100 कॉइन तो मिल ही रहा है गाइस, जैसे आप बढ़ाओगे वैसे उससे बढ़िया 100 कॉइन ले लेते हैं हम ना। तो आपको री एंटर नहीं करना है और आप एक गलती और करते हैं, हमेशा फॉलो के कॉइन बढ़ाते हैं गाइस। जब गिफ्ट कोड लेना पड़ता है सबको पता ही होगा गिफ्ट कोड कहाँ से मिलता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फ्री कॉइन में जाके गेट गिफ्ट कोड फॉर टेलीग्राम करेंगे। तो देखिए गाइस रोज का डेली कोड आता है इसमें, सॉरी देखिए गाइस रोज का कोड आता है, देखिए गाइस रोज हर रोज के कोड देता है गाइस। ठीक है यहाँ से आप क्लिक करते हैं, फिर जब आप कोड डालते हैं तो आप क्या करते हैं फॉलो के कॉइन इंक्रीज करते हैं, फॉलो के कॉइन नहीं इंक्रीज करेंगे गाइस। अगर हम फॉलो के कॉइन इंक्रीज करते हैं तो हमारा अकाउंट तो बैन होगा ही, तो हम फॉलो की जगह अगर लाइक के इंक्रीज करते हैं। देखिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मेरा अकाउंट बैन है, अब मैं इससे फॉलो के कॉइन अगर बढ़ाऊँगा तो री एंटर ही मांगेगा वापस। तो हमारी जो देखिए गाइस फॉलो के कॉइन मांग रहा है कि नहीं गाइस, 10 फॉलो कॉइन करिए तब आपका कोड वर्क करेगा। तो हमारी जो आईडी सही है उसमें हम अपने 10 कॉइन इंक्रीज करेंगे लाइक के। ठीक है गाइस तो देखिए 1 2 2 3 दो तो कॉइन हमने इंक्रीज करिए, कहें 8 कॉइन और इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज कर लेते हैं 8 कॉइन। ठीक है देखिए गाइस ये मेरा अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है गाइस आपको जो अकाउंट सही है उससे 10 कॉइन बढ़ाइए और देखिए गाइस कैसे मेरे 5100 कॉइन होते हैं। देखिए गाइस बढ़े कि नहीं गाइस, देखिए अकाउंट बैन है तो भी कॉइन बढ़ रहे हैं। ठीक है आपको ऐसे ही री एंटर नहीं करना है, अगर आपकी सारी 10-15 आईडी लॉगिन है और 15 में री एंटर ऑप्शन आ गया तो क्या करना है गाइस, आपको बस एक फेक आईडी बना लेनी है। अगर फेक आईडी नहीं बनाने आता मेरी तरफ से ये तो उसके लिए गाइस आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो अगर अच्छे व्यू चलेगा लाइक चलेगा तो मैं उस पर बना ही दूंगा। ठीक है गाइस तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी क्या क्या चीज़ नहीं करनी है इसमें। ठीक है गाइस तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।